अरे भगवान, तुम वहाँ बैठी हो, जरा पानी तो दो पीने के लिए। अभी तो आकर बैठी हूँ और कहने लगे हो पानी दे दो, पानी दे दो। तुम्हें पता है ना, मैं जब एक बार बैठ जाऊँ तब मैं उठने वाली नहीं हूँ। एक काम करो, खुद भी पानी लो और मुझे भी दे दो, समझे? अब इस आलसी बीवी को घर लाने के बाद तो मेरा जीवन नरक हो गया है, नरक। एक गिलास पानी भी नहीं पिलाती। खाना दो कह के पूरा घर सर पे उठा लिया और यहाँ बैठकर अभी हवा खा रहे हो, बोलो। हवा नहीं खा रहा हूँ, दोपहर में क्या खाया मुझे खुद नहीं पता, वही दिमाग में सोच रहा हूँ। हाँ, सुबह सुबह जल्दी उठकर हाथ पैर धो लिए और इतने जल्दी जल्दी खा लिया तो क्या याद रहेगा, सोचने से क्या फायदा है? इतनी आलसी बीवी हो तुम, तुम्हें चलने फिरने में भी तकलीफ होती है, आज तक तुमने कुछ अच्छा बनाया भी है? आलसी कहीं की। हाँ, अब तो बोलोगे ही, खाना तो वैसे भी मैं ही बना के देती हूँ। अरे कोई है, कोई घर में है क्या? दो ना बेटा, थोड़ी सी भिक्षा दे दो। हाँ हाँ, वो तो देता ही हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ बैठ के थोड़ा आराम तो कर लीजिए, देखिए कितनी तकलीफ हो रही है आपको खड़े होने में भी। बेटा पहले मुझे ठंडा पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल्दी करो। भगवान, वहाँ बाहर खड़ी हुई बूढ़ी अम्मा को एक गिलास पानी तो देना, उसे बहुत प्यास लगी है। अच्छा, तो सिर्फ पानी ही दोगे? अब जब वो ऐसे वक्त पर आई है तब तुम उसे दो मुट्ठी अनाज दोगे? नहीं नहीं, चार मुट्ठी दोगे। और बोलो उसे क्या क्या दोगे, खुद का खाने का तो ठिकाना नहीं और देने चले आ गए। अरे भाग्यवान, धीरे बोलो धीरे, बाहर वो बूढ़ी अम्मा खड़ी है, सुन लेगी। अब मेरा मन बिल्कुल भी उठना बैठना हाथ चलाने का घूमने फिरने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर मेरे हाथ अपने आप लंबे हो जाए तब मैं यहाँ बैठे बैठे अनाज दाल चावल आटा सब दे सकती हूँ बूढ़ी अम्मा को, वो भी खुश हो जाएगी। अगर मेरे हाथ ही लंबे नहीं हुए तो मैं बूढ़ी अम्मा को खुश कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, जब तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो फिर जैसा तुम चाहोगी अब वैसा ही होगा। अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो तुम्हारा हाथ लंबा हो जाए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा हाथ तो लंबा होते जा रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये सांप जैसा हाथ कैसे हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? आज तो मैं जा रही हूँ, बस तुम लोग खुश रहो, बहुत खुश रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं एक जगह बैठकर घर के सारे काम कर सकती हूँ, अब तो लंबे हाथ होने का फायदा ही फायदा है। वाह क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है मुझे, अब तो बैठे बैठे सारे काम मेरे अब आसान हो गए हैं। पानी भी ले आई, कटी हुई लकड़ियाँ घर पर ही है, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। अरे वो देखो, भावेश झूठ नहीं बोल रहा था, उसकी बीवी तो बैठे बैठे ही सारा काम कर रही है घर का, कितना हाथ लंबा हो गया इसका। हाँ ठीक कहा, अपने लंबे हाथों से पकड़ कर सारी चीजें खींच लेती है। बुरी बाबा, ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। चल चल, इस लंबी हाथ वाली औरत की खबर तो पूरे गाँव में फैला देते हैं, बहुत मजा आएगा जब सबको इस बारे में पता चलेगा। हाँ हाँ, खूब मजे ले रहे हो, खूब मजे ले रहे हो, कभी ऐसे लंबी हाथ वाली औरत को कभी देखा नहीं तुमने? सारा दिन कुछ करते तो हो नहीं, सारा दिन दूसरों के घरों में ताका जाकी करते रहते हो। अगर तुमको ये हाथ देखना है तो सबको एक एक रुपए देना पड़ेगा, समझ गए? ऐसे फ्री में नहीं होता है सब कुछ, अगर माल है तो अभी के अभी दो, वरना अभी के अभी अपने घर जाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा बिजनेस खोला है तुमने। तेरा भी बिजनेस होगा और हमें भी नई चीज देखने को मिलेगी। हाँ हाँ, हमने तो फ्री में देख लिया, अब जो भी आएगा अपना जेब से पैसा देकर देखेगा, हमको तो बहुत मजा आया। आप दरवाजे के पास क्या कर रहे हो, कोई आ रहा है क्या? आप कोई नहीं आएगा, और कोई आएगा भी तो अपने जेब से पैसा देकर देखेगा, मैंने रोजगार का एक नया रास्ता निकाला है, क्या बोलती हो? वाह बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी।
अरे वाह, उसने हाथ बाहर निकाल लिया और निकालो पूरा का पूरा पैसा वसूल हो गया मेरा तो। और लंबा करो हाथों को। चलो चलो लाइन से लगो, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। सब लाइन में लगो और एक एक करके अंदर आओ, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, समझ गए? लंबा हाथ देखो और खुश होके चले जाओ, समझ गए? अरे भाग्यवान, अगर शाम का आरती हो गया तो सारी की सारी बत्ती जला दो, बाहर के सारे बर्तन अंदर ले लो। ये तो मेरे दाएं हाथ का, नहीं नहीं लंबे हाथ का कमाल है, ये मैं अभी कर देती हूँ। इसे बर्तन खींचने में मजा आ रहा है, है? चलो जैसा चलता है चलने देते हैं। क्या हो गया भाग्यवान, कब से देख रहा हूँ कि करवटें ही बदलती जा रही हो, कभी इस तरफ ही कभी उस तरफ, क्या हो गया, कोई तकलीफ है क्या? क्यों कर रही हूँ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये लंबे हाथ को लेकर सो ही नहीं पा रही हूँ, कभी यहाँ से वहाँ वहाँ से आ कर रही हूँ। ए, तुम्हारा हाथ है उसे तुम कहाँ रखोगी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी थोड़ी ना, इन सब से मुझे क्या सोचना है। हाँ हाँ वो तो आप कहोगे ही, तकलीफ तो मुझे हो रही है। मैं क्या बोलता हूँ, तुम घर से बाहर बरांडे में चटाई बिछा के क्यों नहीं सो जाती, वहाँ तुम्हें अच्छी नींद भी आएगी और अपने लंबे हाथों से मच्छर भगाते रहना। हाँ, खुद आराम से सो जाओगे और मुझे मिट्टी में सुलाओगे। मुश्किल में पड़ गई रे बाबा, खाने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ तो खाना मुंह पर गिर जाता है, बाल सवारने के लिए कंघी सर पर पहुँच ही नहीं पाती है, मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा। गर्मी से हालत खराब हो गई, हाथ में पंखी लेकर हवा खा लेती हूँ। हाँ ये क्या हो रहा है, अब ये क्या मुश्किल, हवा भी ठीक से नहीं लग रही, हाथ पर ही लग रही है, क्या करूँ? अरे बाप रे, अब तो एक जगह पर जाकर बैठूं तो ही ठीक होगा, वरना यहाँ वहाँ घूमने से मुझे तो लगते ही रहेगा। अरे बाप रे, लग गई बहुत जोर से, अब क्या होगा? क्या हो गया भाग्यवान, ये हाथ को लेकर तो तुम बहुत खुश थी, अब ये रोना धोना क्यों कर रही हो और रो रो के पूरा घर बिगाड़ रही हो? अरे आज तो कुछ दिखा ही नहीं दे रहा है, आखिर हुआ क्या आज? ए बड़े हाथ वाली, बाहर तो आओ, हम भी तो देखें ये बड़ा हाथ कैसे होता है। शर्म करने से अब क्या होगा, अब तो तुमको दहलीज के बाहर आना ही होगा। अभी देखना वो नहीं उसका लंबा हाथ आगे आएगा। क्या करूं, ये हाथ से तो मुझे तकलीफ हो रही है और ये सारे लोग क्यों मजा देखने आ गए? क्यों क्यों, अब क्या हुआ, कल तो तुम बड़ा खुश होके उन्हें खेल दिखा रही थी अपने हाथों से, अब कह रही हो कि दिक्कत है? मैं क्या कोई सर्कस का जोकर हूँ जो यार टिकट काट कर मुझे सारे देखने आ जाएंगे? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं और अपने हाथ का मजाक उड़ाकर नहीं ले सकती, अब ये मेरा हाथ बिल्कुल भी बाहर लेकर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाग्यवान तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मेरे कहने का मतलब कुछ वो नहीं था, अरे तुम कहाँ जा रही हो, मैं कैसे रहूँगा यहाँ तुम्हारे बिना? अब और नहीं सह सकती, ना रहेगा हाथ ना रहेगी लोगों की हंसी, अब ये हाथ लेकर मैं नदी में कूद जाऊंगी, मुझे अब नहीं रहना है। ये क्या कह रही हो तुम ही ने तो लंबा हाथ होने की इच्छा मांगी थी ना,
अरे बाप रे बूढ़ी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? ये बात तो ठीक है, अब तो तुम्हारा लंबा हाथ होने का रंग उतर गया है ना? हाँ, उस वक्त तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। इस हाथ से ना मैं ठीक से खा सकती हूँ, ना सो सकती हूँ, कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। मुझे ये लंबा हाथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये लंबा हाथ वापस पहले जैसा कर दीजिए। ये लो, हो गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, मेरा हाथ पहले जैसे हो गया। ओह, मजा आ गया। अब मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगी और अपना काम ठीक से करूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया।